Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we discuss here new chapter, chapter 10th, water resources. In this chapter today, we discuss introduction part of water resources and what is the irrigation and importance of irrigation okay so we start introduction of water resources approximately 71% of earth surface is covered with water but fresh water constitute only about 3% of the total water you know all in our earth surface the about 71% area विद वाटर और 29% परसेंट एरिया कवर विद लैंड सो बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर वन पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे हम ऑलवेज कहते हैं वाई सेव द वॉटर वाई वी सेव द वाटर। इवन 71% परसेंट एरिया कवर विद वाटर। सो आई विल टेल यू वाई वी सेव द वाटर। ओके

हंड्रेड परसेंट वॉटर में नाइनटी सेवन परसेंट वॉटर आपका ओशियर है okay? you know इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं सॉल्टी वाटर होता है दैट्स इट नॉट यूजेबल आपका हंड्रेड परसेंट वाटर है तो नाइनटी सेवन परसेंट जो वाटर है नॉट यूजेबल ओनली थ्री परसेंट वाटर इज यूजेबल और ये थ्री परसेंट वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर

सेव द वॉट ओके सो मीन ओनली थ्री परसेंट वाटर जो है वो यूजेबल है फ्रेश वाटर है बाकी अदर आपका नाइनटी से इनफेक्ट अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज इफेक्टिवली अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज सो दिस फ्रेश वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर रिवर और अंडरग्राउंड ओके एंड दिलिटी ऑफ फ्रेश वॉटर वेर इज ओवर स्पेस एंड टाइम फ्रेश वॉटर है ये जो थ्री परसेंट वाटर है यह प्लेस टू तो प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग you know, uh, हमारी कंट्री में जो मैक्सिम रेनफॉल होती है एट्टी परसेंट रेनफॉल इन तो फोर मंथ में और फोर मंथ कौन से होते हैं जो रेनी सीजन होते हैं जून जुलाई अगस्त एंड

and space means uh, your monsoon rainfall is also uh, some places there where uh, some places there where get uh, heavy rainfall some places there where moderate rainfall and some places where very scanty rainfall it depend on that particular landform features if particular place lie on the binward side so those area get heavy rainfall and those place lie on the leeward side of the bin so that area get very little rainfall that means कि आपकी जो वाटर जो फ्रेश अवेलेबल वाटर है वो वेरी कदर प्लेस टू प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग ओके सो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया एंड मेथड इट्स कंजर्वेशन और मैनेजमेंट हम यहां डिस्कस करेंगे वाटर सोर्सेज के बारे में इंडिया in के बारे में और कौन से मेथड्स टू दैट हम वाटर को सेव कर सकते हैं उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं ओके सो वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया

So, पूरे वर्ल्ड का हंड्रेड परसेंट लैंड है लैंड इफ हंड्रेड परसेंट लैंड है सो इंडिया हंड्रेड में से ओनली टू पॉइंट फोर फाइव परसेंट एरिया कवर करता है सो इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया ओके एंड पूरे वर्ल्ड का आपका हंड्रेड परसेंट लैंड है थोड़ी लैंड कितने 4 2.45 परसेंट अगर पूरे वर्ल्ड में हंड्रेड परसेंट वाटर है तो उसका ओनली फोर परसेंट वाटर हमारे इंडिया के पास है ओके okay? की total 100 population है इन वर्ल्ड तो आउट ऑफ दैट सिक्सटीन परसेंट पॉपुलेशन जो है तो वो हमारी कंट्री में लाई करती है यू कैन चेक की लैंड जो है हमारे पास इन इंडिया ओनली टू पॉइंट फोर फाइव परसेंट और वाटर सोर्सेज

जो वाटर अवेलेबल हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम रिवर लेक और रिजर्वा There are four major source of surface water these are river lake ponds all tanks these are the main four major source of surface water okay rivers lakes ponds and tanks okay So now here we discuss underground water so water beneath the surface of the earth which saturate the pores, and fractures of sand gravel and rock formation means abkajo under water by the pores small holes within on the surface cracks due to that water deep in surface okay and the level of groundwater utilization is relatively high in the river basin laying in the north western region and part of south india means अंडरग्राउंड वाटर मैक्सिमम यूटिलाइज कहा होता है नियर द रिवर्स क्योंकि जहां वाटर अवेलेबल होगा वही वाटर पेनिट्रेट होके अर्थ के नीचे जाके लार्ज क्वान्टिटी में कोलेक्ट होगा ओके क्योंकि रिवर्स आपका जो ग्राउंड वाटर वाटर होता है वो मैक्सिम होता है उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है और यू टॉक अबाउट अवर पार्ट ऑफ इंडिया सो स्पेश नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जैसी है ये आपका जो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट है दिस पोर्शन में आपका मैक्सिमम अंडरग्राउंड वाटर यूटिलाइज होते हैं इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया ओके एंड द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड तमिलनाडु दिज आर ऑल द स्टेट वेयर

छत्तीसगढ़ उड़ीसा केरला विच यूटिलाइज ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल यह बहुत ही लेस क्वांटिटी में अंडरग्राउंड वाटर यूज होता है लाइक गुजरात उत्तर प्रदेश बिहार त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र आर यूटिलाइजिंग देयर ग्राउंड वाटर सोर्सेज एट अ मॉडरेट रेट ये जो स्टेट्स है हमारी ये मॉडरेट मीन नाइदर एक्सेस यूज करें और ना ही लेस यूज करें मीन मॉडरेट यूज करें ये लेस यूज करें और ये हाई यूटिलाइजेशन हो रही है ओके सो स्टार्ट बट इरिगेशन एंड आफ्टर डिस्कस ऑफ इरिगेशन ओके सो वाटर इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर सक्सेसफुल एग्रीकल्चर अगर हमें प्रोडक्शन लेनी है एग्रीकल्चर से सो विद हेल्प ले सकते हैं अगर वाटर नहीं है तो प्रोडक्शन जो होगी वो हमारी अच्छी नहीं होगी ओके सो वाटर में भी अवेलेबल

तो उसकी प्रोडक्शन कितनी होगी इस डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कि हमारे पास वाटर की फैसिलिटी क्या है अकॉर्डिंग दैट ही हमारी प्रोडक्शन होती है ओके सो वाटर वाटर मिनरल एंड अदर न्यूट्रिएंट इन द ग्राउंड कि वो जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सॉइल में उसको डिजोल्व करता है और बाय द रूट ऑफ प्लांट उस न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है ओके okay? तो सबकी जो प्रोडक्शन होती है बहुत ज्यादा होती है फास्ट ग्रो करती है ओके एंड वाटर इज मस्ट फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कि मीन एग्रीकल्चर को मार्केट में बेच के हमें पैसा जो कमाना है वो तभी कमा पाएंगे प्रोडक्शन अच्छी होगी और प्रोडक्शन तब कब अच्छी होगी जब हमारे पास वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल होगी ओके okay? क्योंकि हमारी जो क्रॉप्स होती हैं जो एग्रीकल्चर होता है वो तभी ग्रो करता है जब वाटर प्रॉपरली अवेलेबल होता है ओके शॉर्टेज ऑफ वाटर में हमारी क्रॉप ग्रो नहीं करती है ओके सो वाटर जो है एक जरूरी है अगर हमें पैसा मनी अर्न करनी है बाय द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ठीक तो है तो वाटर इज मस्ट फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ओके एंड थर्ड पॉइंट इरीगेशन अ मेजर रोल इन द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन यूरोट बेसिकली में इंट्रोड्यूस लेकिन जो यूटिलाइजेशन हुई थी ग्रीन uh, की 1967 और इंडिया में, 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 में जो फार्मर्स थे उनको गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर्स या वाटर फैसिलिटी ऑल थिंग्स उनको प्रोवाइड करवाएगी ताकि वो अच्छे से अच्छी प्रोडक्शन कर सके ग्रीन रेवोल्यूशन में था कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड एंड मैन्योर फर्टिलाइजर्स ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करवाएगी फार्मर को ताकि जो प्रोडक्शन जो है हमारी कंट्री की बहुत ज्यादा हो जाए ओके okay? अगर देखो बच्चे यहाँ पर ग्रीन गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स फार्मर को प्रोवाइड कर लेकिन अगर सपोज करो कि वाटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती तो जो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स है वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे पाते That means, हमारी जो ग्रीन रेवल्यूशन सक्सेसफुल थी इंडिया में फॉर रेवल लाइक पंजाब हरियाणा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस बिकॉज ऑफ इरीगेशन यूनिटॉल इन पंजाब में जो रेनफॉल होती है 75 या 100 सेंटीमीटर से लेस होती है और दैट एरिया में ये रेनफॉल होती है ये इनफ नहीं है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए तो राइस के लिए चाहिए रेनफॉल चाहिए वाटर की क्वालिटी टू मच चाहिए ओके लेकिन पंजाब में के वाटर की शॉर्टेज है लेकिन ड्यू टू द इरिगेशन फैसिलिटी के थ्रू ही ये पॉसिबल हुआ है कि पंजाब और हरियाणा में हम राइस ग्रो करें और वो भी लार्ज क्वांटिटी में ओके सो इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द इगेशन फैसिलिटी ओके सो मैनी क्रॉप आर ग्रोथ इन राजस्थान एंड अदर एरिगेशन यू नोट राजस्थान एरिड मीन होता ड्राई रीजन ओके सो हमारे कंट्री में बहुत सारे पार्ट है जो ड्राई है इन दैट एरिया में आप क्रॉप ग्रो कर रही है विद दरीगेशन तो राजस्थान में जो इरीगेशन हो रही है बाई द इंदिरा कैनाल

and 4% of the water of the world and population 16% of the world population okay so after that what is the water uh, surface water sources after we discuss here irrigation yeah which is a uh, maximum utilization of the underground water moderate or scanty utilization of underground water of that importance of irrigation Thank you.